guys, welcome back to my YouTube channel, Tanish Holik. I am Tanisha Jaiswal, second professional MBBS student in RDSMC Ayodhya. So today I am here in PW offline with their Pete because I've been listening so hate comments about the offline centers of PW. So I thought, why not to go and explore and bring the truth in front of you all. So without any further ado, let's get started. So this is the mass counseling room in which we'll get to know the procedure of admission in offline Vidyapeeth. So sir, can you describe the procedure of taking admission in Vidyapeeth? First of all, you have to fill this form by scanning this QR by Google Lens, and then you have to fill this all the details. First of all, I will explain all the details and the facilities which will PW is providing to the student, and what is the difference between compared to the other institute and our institute. So first one is pure offline classes. We are providing pure offline classes in which all the faculties are physically present in this class. Okay. Now second one is smart classes. जितनी भी क्लासेस होती हैं वहाँ पे आपको स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड होता है. सो स्मार्ट बोर्ड पे बच्चे पढ़ सकते हैं, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है बच्चों को. राइट. थर्ड वन इज रिकॉर्डेड लेक्चर. बच्चों को जो भी है, आपको जो भी क्लासेस बच्चे फैकल्टी से पढ़ रहे हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर उसी दिन आपको ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप अपना रिविजन भी कर सकते हैं. So this is basically beneficial for the students जो वेकेशन पे जा रहे हैं और जो बीमार पड़ जाते हैं. रिविजन कर सकते हो. ओके. फोर्थ वन इज रियल टाइम एक्सपेरिमेंट. सो एज यू नो कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए. सो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं जिससे बच्चों को इजीली वो चीजें याद होती है और इंटरेक्टिव होता है. केमिकल रिएक्शन हो गई. राइट. फिफ्थ वन इज डाउट. मेन पॉइंट है डाउट का. सो बच्चा पढ़ता है, कुछ सेल्फ स्टडी करता है, उसको डाउट आता है तो वो किससे कंसर्न कर सकता है. सो हम यहाँ पे थ्री फैकल्टीज प्रोवाइड कराते हैं. ऑल ओवर इंडिया ये थ्री फैकल्टीज का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे ही है. मैं क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासरूम फैकल्टीज जिनसे आप पढ़ते हैं क्लास के अंदर. राइट. तो आप उनसे भी डाउट अपना कंसर्न कर सकते हैं. सेकेंड वन इज डाउट फैकल्टीज पर्टिकुलर फॉर डाउट्स के लिए होती है. इनका एक पर्टिकुलर रूम होता है, एक एरिया होता है, वहाँ इनकी सिटिंग होती है, आप उनके पास जाओगे आपको वो डाउट बताएंगे. थर्ड वन इज सारथी. तो ये सारथी क्या है, ये ऑनलाइन फीचर है हमारा पीडब्ल्यू एड का. 6 PM to 2 AM डाउट पूछ सकते हो. मतलब कोई बच्चा रात में 10 बजे पढ़ रहा है, उसको डाउट आता है तो वो नेक्स्ट डे जाके स्कूल में कोचिंग में पूछता है. बट आपको अब ऐसा नहीं करना है, आपको उसी टाइम हमारा सारथी यूज करना है ऑन दी पीडब्ल्यू एप. राइट. सो आप अपना ये फीचर ऑन करके, ये व्हाट्सअप जैसा है, इनका इंटरफेस व्हाट्सअप जैसा है, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, ऑडियो मैसेज भेज सकते हो, टाइप करके फैकल्टीज को कोचेज को आप भेज सकते हो, तो आपको पर्सनल मैसेज करते हैं. तो ये फीचर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं अदर इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड. आई रियली लाइक द टाइमिंग बिकॉज़ रात को क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करके सो जाते हैं, सुबह में भी देयर इज प्रोबेबिलिटी कि हम भूल जाएंगे पूछना. सो इट कीप्स ऑन एक्युमुलेटिंग एंड एट लास्ट अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो वी लीव दैट क्वेश्चन एंड कम. राइट. सो नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज लाइब्रेरी. वी आर प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी हियर. तो बच्चा लाइब्रेरी के अंदर स्टडी रूम में जाके सेल्फ स्टडी कर सकता है और कोई भी डाउट आता है तो डाउट फैकल्टीज अवेलेबल रहती है, उनसे बच्चा डाउट पूछ सकता है. व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द लाइब्रेरी? एज सच कोई टाइमिंग नहीं है. आपका मॉर्निंग जब बिल्डिंग ओपन होता है 8 AM to 8 PM तक. राइट. 12 hours. सेवंथ पॉइंट इज आपका टेस्ट हो गया है. सो यहाँ पे हमारे जो टेस्ट होते हैं 2 types के होते हैं, एक होता है माइनर एंड सेकेंड वन इज मेजर. 2 types के टेस्ट होते हैं. माइनर वीकली बेसिस पे होते हैं. जो मेजर टेस्ट होते हैं बेसिकली 2 types के होते हैं. फर्स्ट वन इज AITS. AITS मींस ऑल इंडिया टेस्ट है. जितने भी हमारे विद्यापीठ सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, 45 से ज्यादा सिटीज में, 65 से ज्यादा सेंटर है, तो उनका एक कंबाइंड टेस्ट होता है. तो बच्चों को बेसिकली पता लग जाएगा वो ऑल ओवर इंडिया में कहाँ स्टैंड करें, हर 2 महीने में होता है. इसके अलावा जब आपके 3 या 4 chapter कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका मंथली बेसिस पे टेस्ट हो जाता है. इन सब की जो भी बच्चों की परफॉर्मेंस रहती है उनके पेरेंट्स को हम वाया SMS वाया व्हाट्सएप सेंड कर देते हैं. अटेंडेंस का भी ये रहता है कि बच्चों को, पेरेंट्स को पता रहता है कि बच्चे आए कि नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका जो आईडी कार्ड है वो पंच करते हैं एंड पेरेंट्स के पास मैसेज चल जाता है आपका बच्चा आ गया हो. ये फीचर्स होते हैं हमारे यहाँ. राइट. अभी जो है हमारे जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसकी भी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ. अभी बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे जो न्यू बैचेस है फॉर दी 11th एंड 12th वो 8 June से स्टार्ट हो रहे हैं. 12th वाली जो बच्चे हैं उनका सेशन स्टार्ट हो चुका है 10th May से. अब उनका आगे कोई सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब कोई नया बैच स्टार्ट नहीं हो रहा. 11th वालों के लिए 8 June है एंड जो ड्रॉपर स्टूडेंट आफ्टर पासिंग 12th वो
ट्वेल्थ ऑफ जून से हमारा यहाँ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो इलेवेंथ के लिए है एंड प्रॉपर के लिए। So for the form, may I know the fee of the courses? Okay. So first of all, for the 11th class, the fees will be 75,520, and for the 12th and dropper, for the 12th, the fees will be 93,810, and for the 12th, the fee will be remain same as 11th, 75,520. ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें क्या होता है, सपोज कोई बच्चा है जिसके ड्रॉपर में मतलब जैसे नीट में या जेई में अच्छे नंबर आते हैं, सपोज नीट में 500 अबो है तो उसको हम 50% फ्लैट ऑफ दे रहे हैं, एंड जो बच्चा है जिसके 90% ऐसे अबो आते हैं इन द जेई उनको हम 50% ऑफ दे रहे हैं, राइट। सो फीस विल बी After giving 50,000, 50% off, the fees will be 53,904, 409, right? Thank you so much. So, keep going. होता है ना कि मुझे घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है या काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, सो वी कैन नॉट पे द फीस इन वन इंस्टॉलमेंट। सो इफ यू वांट टू पे द फीस इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, देन यू कैन यूज द प्रोसेस ऑफ ज़ोडो इन विच यू कैन पे द फीस इन इंस्टॉलमेंट्स। सो आफ्टर पेइंग द फी यू विल कम इन दिस रूम फॉर प्रोफाइल कंप्लीशन एंड अलॉटमेंट ऑफ योर बैच। सो इन दिस रूम A102 यू विल बी प्रोवाइडिंग आईडी कार्ड। So the last procedure of the admission is finally we'll collect our welcome kit. In welcome kit, we'll get a bag, umbrella, some pens, and obviously two t-shirts with ID card holder. And last but not the least, notebook, which is very essential to take your notes during classes. So from here, you can issue the book and study, as many students are studying, and I'm really having nostalgia how I used to prepare for my examination. So आपकी preparation कैसे चल रही है? कौन सा chapter चल रहा है अभी? Cell cycle. So cell cycle was basically my favorite chapter because it was easiest chapter in class 11. So these are the student support cell in which all kind of supports are provided to the students through the teachers. So this is my favorite part, which I discovered today, is this is a room in which if you face any mental health issue regarding anxiety, your schedule, your sleep cycle, you can come and consult to a teacher. During my preparation phase, I faced a lot of problem, but I had no one to solve it. So I am really gonna appreciate PW for this facility they provided. So this is basically SWS, Student Welfare Society, in which the counselors help students in all the problems apart from studies. किसी भी टाइप के जो भी कंसर्न्स होते हैं स्टूडेंट के, एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी इशू होते हैं, पर्सनल इशू, मैथ इशू, चाहे जो भी चीज़ें होती है, बारी टीचिंग होती है, कुछ कोई भी घटना होती है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। और जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स लेके, हम जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है उस डिपार्टमेंट में हमारी लाइजनिंग अच्छी है तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं और उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। इनिशिएट हमारा ये रहता है कि बच्चे की प्रॉब्लम तुरंत चीज सॉल्व हो जाए उसकी। Thank you so much. Thank you.